अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेदू बड़ा और उसके साथ साथ कोकोनट चटनी की भी रेसिपी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। अगर आप लोग कुछ टिप्स को फॉलो करके ये मेदू बड़ा को बनाएंगे तो आपके मेदू बड़ा भी अंदर से एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेदू बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप उड़द दाल लिया है। उड़द दाल को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। अगर आप लोगों के पास ओवरनाइट सोक करने का टाइम नहीं है तो आप लोग इसे कम से कम 6 से 7 घंटा ज़रूर सोक करें। फिर दाल को मैंने 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। फिर इसका जो पानी है एकदम अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया है, इसमें थोड़ा भी पानी रहना नहीं चाहिए। पानी को छानने के बाद मैंने एक मिक्सी के जार में हाफ उड़द दाल को डाल दिया है। मैं इसे 2 बारी में पीस रही हूँ। फिर इसमें मैंने 1/2 टीस्पून के जितना पानी डाला है और इसे एक बार हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे एक बार ग्राइंड कर लिया है, ये अभी भी दरदरा है बहुत। मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के जितना पानी और डाल रही हूँ। फिर इसको और एक बार हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड करने में आप लोगों को ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एक बार ग्राइंड करने में 1 टेबल स्पून के जितना ही पानी आप लोगों को डालना है, नहीं तो मेदू बड़ा जब हम फ्राई करेंगे वो ऑयल सोक कर लेगा। ये देखिए मैंने 1/2 टीस्पून के जितना पानी और डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये देखिए दाल का टेक्सचर जो है इस तरह से होना चाहिए। ये थोड़ा सा दरदरा है मगर ये टेक्सचर अभी परफेक्ट है। मैं इसे एक बोल में निकाल ले रही हूँ और इसी तरह सेम वही प्रोसेस से हमें दूसरे दाल को भी इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। आपको ध्यान रखना है ग्राइंड करने के टाइम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप 1 टेबल स्पून के जितना पानी इस्तेमाल करें एक बार दाल को ग्राइंड करने में। इस पूरे दाल को ग्राइंड करने में मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। ये देखिए मैंने सारे दाल को ग्राइंड कर लिया है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ा सा कटी हुए करी पत्ता। मैंने एकदम बारीक चॉप करके सारी चीज़ों को डाला है। फिर डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ी चम्मच चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर। इसे डालने से ये जो मेदू बड़ा है वो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इसमें जो भी नमी है वो ये राइस फ्लोर सोक कर लेगा। अभी इस मेदू बड़े की बैटर को हमें अच्छी तरह से फेंटना है। ये देखिए मैंने इसे एक ही डायरेक्शन पे एकदम लगातार 7 से 8 मिनट फेंटा है। इसे आप जितना फेंटेंगे मेदू बड़ा अंदर से उतना ही सॉफ्ट बनेगा। इस बैटर को मैंने लगातार 6 से 7 मिनट एक ही डायरेक्शन पे घुमाते हुए अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये बैटर जो है अभी पहले से बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। बैटर परफेक्ट है या नहीं जानने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लिया है और थोड़ा सा बैटर डाला है। बैटर को पानी में डालते ही अगर बैटर जो है पानी के ऊपर आ जाए इसका मतलब बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे, फिर इसका मेदू बड़ा बनाएंगे। तब तक हम मेदू बड़ा के लिए चटनी की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून चना दाल लिया है, 2 टेबल स्पून मूंगफली लिया है और सूखे जो कोबरे आते हैं उसको मैंने इस तरह से स्लाइस करके थोड़ा सा डाला है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन स्पॉट ना आ जाए। फिर इसे हमें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एक मिक्सी के जार में डालना है। फिर मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाला है, 1 इंच अदरक डाला है और स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है, 1 टीस्पून साबुत जीरा डाला है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। चटनी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को चटनी थोड़ा पतला चाहिए तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के पीस ले। इसे अभी हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल के उसके ऊपर 2 सूखे लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी राई डाला है। इसे हमें चटकने देना है, फिर इसको हमें चटनी के ऊपर डाल देना है। ये देखिए मैंने इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल दिया है और हमारा नारियल की चटनी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है मेदू बड़े के साथ, आप लोग इसे भी ट्राई करें। तो हमारा चटनी तैयार है, अब हम मेदू बड़ा फ्राई करेंगे। मेदू बड़ा बनाने के लिए मैंने ये देखिए हाथ को थोड़ा सा पानी में डाल के गीला कर लिया है और थोड़ा सा बैटर लेके ऐसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसे सेंध दे दिया है और हमारे अंगूठे के मदद से इस तरह से छेद कर दिया है और इसे मैंने गर्म तेल में ये देखिए इस तरह से सावधानी से डाल दिया है।
मेदू बड़ा को जब आप तेल में डालें, तेल को मीडियम फ्लेम पे रखिए। ये देखिए मैं आपको और एक दिखा रही हूँ, हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के थोड़ा सा बैटर लेके इसे अच्छी तरह से शेप देके फिर अंगूठी की मदद से एक होल्ड करके आप तेल में सावधानी से डाल दें और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। इसे आप हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो ये ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लें। जब भी आप दूसरा मेदू बड़ा बनाएं हाथ को आप गीला कर लें, नहीं तो आपके हाथ में बैटर चिपक जाएगा। ये देखिए मैंने सारे मेदू बड़ा को इसी तरह सेम वही प्रोसेस में बना लिया है। ये देखिए मैंने सारे मेदू बड़ा तैयार कर लिया है। मैंने इसे चटनी और सांभर के साथ सर्व किया है। ये सांभर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी। इसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल से बने रहिए। ये देखिए ये मेदू बड़ा अंदर से कितना सॉफ्ट और ऊपर से कितना क्रिस्पी बना है। मेदू बड़ा बनाने के लिए सबका मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं और उतना क्रिस्पी नहीं बनते हैं। अगर आप लोग इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपके मेदू बड़ा बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।